ट्रांसफार्मर जो है बहुत पहले से लगा हुआ है, स्कूल बना बाद में। छत्तीसगढ़ बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम भरगा कला, जहां 1995 में नवीन प्राथमिक शाला स्कूल का शुरुआत, 100 बच्चे वर्तमान में पढ़ते हैं। इन बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मीटिंग के रूप में मीटिंग हुआ था, मौखिक रूप में सरपंच को भी बोले थे आकर के, लेकिन आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस वीडियो को स्कूल के बच्चों एवं टीचर को दिखाई और विभागीय बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको दिखाई। बाथरूम और उधर नल है उस क्षेत्र में ये स्थित थे, तो वहाँ बच्चों को बार बार जाना पड़ता था हाथ पैर धोने, पानी पीने, बाथरूम एवं टॉयलेट, तो हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसका हल श्रीमती भान भाई संवाददाता जो हैं वो आके हमारा इंटरव्यू लिए और इसका वीडियोग्राफी पूरा अधिकारियों को दिखाया गया, उसके बाद कहीं जाके इसका हल हुआ। ट्रांसफार्मर हट गया है। कितने दिन से हटा हुआ है ये? करीब 2 माह से हो गया है, हट गया है जो ट्रांसफार्मर। नवीन प्राथमिक शाला स्कूल के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा था वो विभागीय प्रयास और ग्राम पंचायत के प्रयास से हटा। मैं ग्राम पंचायत के सरपंच जी को भी धन्यवाद करती हूँ और बिजली विभाग के अधिकारी को भी धन्यवाद करती हूँ। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।